एवरीवन, गुड इवनिंग। समय हो रहा है 7:14। आधे घंटे पहले ही मैं नहा के आई हूँ। सुबह से लगी थी, जब से हमने शिफ्टिंग करी है, किसी दिन सुबह नहा ली तो नहा ली, वरना मेरा ऐसे ही 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। आज मैं कुछ और ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी। तो सुबह मैं लक्ष्य के लिए टिफ़िन बनाने के लिए उठी, उसके बाद मैं 1.5 घंटे बाद मैंगो शेक वगैरह बना के सब बना के मैं सो गई। फिर मैं 10:30 बजे उठी थी। फिर मैंने घर का तब से सारा काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, नाश्ता पानी, मतलब सब कुछ किया टोटली। उसके बाद जो भी बच्चे का काम होते वो सब किए, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा काम था वो किया, और फिर मैं अभी नहाई हूँ, कपड़े वॉश करे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बट कोई बात नहीं है। आज है सैटरडे और अनिल का है ऑफ, तो हम जा रहे हैं जैसे घर के लिए पर्दे वगैरह लेने के लिए, कर्टन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप उस वाले घर के पर्दे क्यों छोड़ के आ गए। तो वो हमारे पर्दे नहीं थे, ओनर के पर्दे थे, ये वाले पर्दे हमारे थे, तो ये हम लेके आ गए। कुछ और पर्दे भी हैं जो मेरे मुंबई वाले रखे थे, हमने मुंबई में लिए थे, बट वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहे, तो उनको मैं कहीं नहीं लगा रही हूँ, कहीं यूज नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं पर्दे लेने के लिए। और भी मुझे लड्डू के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुझे लड्डू के लिए लेनी है, तो वो भी ले लेते हैं। एक्चुअली मैं नहा के ये वाली टॉप ही पहनी थी, तो फिर मैंने बोला कपड़े चेंज करती, तो इन्होंने बोला चलो यही पहन के चलते हैं, यहीं पास में ही तो जाना है। तो अब मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, मैंने कुछ नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे। तो अब जहाँ लेके जाएंगे वहीं चलेंगे। थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करना होगा तो मैं कर लूँगी, ज़रूरत होगी अगर जल्दी में होंगी तो नहीं कर पाऊँगी, फिर घर पे आके दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैंने पहनी हुई ये वाली टॉप, नीचे मैंने डाला हुआ है ब्लैक कलर का ट्राउज़र। कोई बात नहीं, चलते हैं, बाइक से जाएंगे, गाड़ी से नहीं जा रहे, क्योंकि अनिल बोल रहे थे कि गाड़ी से बहुत टाइम लग जाता है ट्रैफिक, और बाइक तो कहीं से भी निकाल के चले जाओ। तो लड्डू को लेके जा रहे हैं, लक्ष्य को छोड़ के जा रहे हैं, झटपट से आ जाएंगे। एक फ़ोन मैं लक्ष्य के पास छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि बच्चों की ज़रूरत पड़ जाती है, या हमें भी कॉल करके पूछना होता है लेट हो गए तो, या कुछ लेके नहीं आना या आना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं छोड़ जाऊंगी। तो अभी मुझे लग रहा है, मेरी मम्मी बोल रही थी कि शिफ्टिंग में अभी तो 1 महीने लग जाएगा, तब जो नॉर्मल लाइफ होगी ना वो लाइन पर आएगी, अभी कुछ लाइन पर नहीं आ रही है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए चलते हैं, और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत राशन पानी का तो सब कुछ हम लेके आ ही गए, और कुछ मिलता है तो वो लेके आएंगे। लक्ष्य बोल रहा है मेरे लिए चश्मा लेके आना, उसको चश्मा का बड़ा शौक है, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत रखे हुए हैं, बट मेरी दीदी का बेटा आया था ना, वो अपने लिए शॉपिंग करके लाया था, तो चश्मा लेके आया था, तो उसको पसंद आ गया, तो बोला लेके आना, अब अच्छा मिलता है तो लेके आते हैं, वरना कोई बात नहीं है। चलिए पतिदेव ने बाइक निकाल ली, थोड़ा सा भारी हो, ज्यादा पतला ना हो। देखिए भाई, वेट है उसके अंदर, वॉशिंग मशीन बिल्कुल चाहे जैसे, मशीन वॉशेबल चाहिए भैया। वॉशिंग मशीन कैसी वॉश कर ली, हैंड से वॉश करिए, ये कहाँ बाड़े पर, ये दुकान कहाँ पर है, ये राम मंदिर आ गया, ये रेजिन सी नहीं है, कुछ नहीं है भैया, ये भी है, पर रेजिन नहीं है, ब्लैक आउट है ये, इसमें धूप अंदर नहीं आ सकती आपके, आप ऐसे उठा के लाइट की रोशनी देखिएगा, उसमें दिखाई देगा आपको, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कपड़े कपड़ा जितने भी आपके पर्दे होंगे साइज के छोटे बड़े। तो मुझे नहीं पता ये मार्केट का नाम क्या है, अवेल पूछूंगी इनसे, बट यहाँ पे हम छोटी दुकान पे गए थे कि चलो छोटी दुकान पे अच्छे पर्दे मिल जाएंगे कम रेंज में, लेकिन यहाँ पर इतनी हाई फाई रेंज है मैं क्या ही बताऊँ, और क्वालिटी एकदम घटिया थी, मतलब मुझे पसंद नहीं आई ज़्यादा। तो अभी चलते हैं अंदर देखते हैं लड्डू। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी वाली शॉप पे, ये शॉप काफ़ी बड़ी है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी मिल गए हैं, बने हुए कर्टन भी थे बट मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके फैब्रिक ज़्यादा अच्छे नहीं थे और एकदम हल्के थे, तो हवा से उड़ते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो रही थी कि पता नहीं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो यही होता है सबके साथ, तो बस चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद हमने पर्दे सिलेक्ट कर दिए हैं, जब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है चूज करने में, और अभी हमने चूज कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं, बहुत महंगे पड़ रहे हैं हमें पर्दे, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से पर्दे लिए हमने, जिनकी ज़रूरत थी उतने लिए, ज़्यादा नहीं लिए, उसके बावजूद भी हमें बहुत महंगे पड़ रहे हैं। चलिए अब वो इसके लिए कपड़े वपड़े देखते हैं। तो फाइनली हो गया है हमारा सिलेक्ट, क्या
तो अभी हम लोग आ गए हैं बाड़े पर और यहाँ पे हम लड्डू के लिए लेने आए हुए हैं सूज। हमें ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिल रहे थे, एक दो ऑप्शन ही मिल रहे थे सूज में, क्योंकि अभी समर सीजन है तो सैंडल्स के ज़्यादा ऑप्शन थे, बट सैंडल ऑलरेडी उसके पास हैं। उसके पैर कट जाते हैं वॉकर में, इसलिए हम लोग ले रहे हैं सूज उसके लिए, जिससे उसके पैरों में पीछे लगे ना। उसके पैर में काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट उसके बर्थडे पर लेंगे इस टाइप, क्योंकि बार बार ये पैरों से निकल रहे थे, तो ऐसे डेली में नहीं पहन सकता बच्चा। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन थे, बॉयज़ के लिए ऑप्शन भी कम थे और मतलब अच्छे भी नहीं थे, एक दो थे वो भी आइटम, तो बस यही कन्फ्यूजन होता है गर्ल और बॉयज़ में। तो चलिए ले लेते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई। कौन सा ब्रांड है ये? एब्रोस। एब्रोस ठीक लग रही है, कंफर्टेबल लग रहा है। अरे फिर तुम कल ये बोलो कि स्लीपर ही हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भैया आपको पता नहीं इनके नखरे मैंने मंगा दी ना इनके लिए, तो ही बोले मैं फिसल गया, मैं ये कर दिया। आपको पता नहीं इनके नखरे लड़कियों के रहते हैं, हमारे घर में इनके नखरे रहते हैं। गजब बेइज्जती है। गुड इवनिंग, अभी करने जा रही थी मैं फेस वॉश, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत टाइम पहले, मुझे याद आया कि मैंने ना अपने लिए लिप स्क्रब मंगाया हुआ था, लिप ब्राइटनिंग स्क्रब, तो उसको चलो यूज कर लेते, क्योंकि फिर स्क्रब करेंगे तो फिर एकदम फेस अजीब सा हो जाएगा ना चारों तरफ, फिर फेस वॉश करना ही पड़ेगा। तो फेस वॉश मैं बाद में करूँगी, पहले कर लेती हूँ लिप ब्राइटनिंग स्क्रब। मैंने ये मंगाया हुआ था, ये आप लोग देख सकते हो, ये है स्कीबिया का है बीटरूट लिप ब्राइटनिंग स्क्रब। अगर आपके लिप्स काले हो गए हैं, अगर आपके लिप्स एकदम रेड नहीं हैं और मतलब गुलाबी टाइप के होते हैं ना उस टाइप के नहीं हैं, तो आपको ये लिप ब्राइटनिंग स्क्रब है ना, या कोई भी स्क्रब है लिप्स वाला, वो यूज करते रहना चाहिए। तो मैं इसको यूज करती हूँ, ये है स्कीबिया का बीट रूट लिप ब्राइटनिंग स्क्रब। इसमें है विटामिन ई, कोको बटर, सिया, तो ये हमारे लिप्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इस तरीके से छोटी सी डिब्बी में मुझे रिसीव हुआ था, मैंने इसको यूज कर चुकी हूँ इसलिए ओपन है ये। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं इसको, इस तरीके बीट रूट होता है ना एकदम रेड रेड, मैं लड्डू को खिलाती हूँ, अब तो खाता ही नहीं है कुछ वो, तो इस तरीके से रेड रेड है ये, तो अच्छे से अपने हाथों पर ले लेना है। अभी मैं लिपस्टिक लगाई हुई हूँ, खुशबू इसकी वैसी आ रही है जैसे बबल गम की होती है ना उस टाइप से। हल्के आराम से आपको इस तरीके से करना है स्क्रब। ऑलरेडी मैं लिपस्टिक लगाई हुई थी और आप पहले भी क्लीन कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो लिपस्टिक को, तो मैंने ऐसे ही फेस वॉश करने जा रही थी ऐसे ही कर लिया। वैसे इसका रेड कलर है ही ऑलरेडी, लिपस्टिक नहीं निकल रही मेरी, लिपस्टिक हल्की सी निकली है। देखो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने स्क्रब कर लिया है और आप लोग देख सकते हो 5 मिनट एकदम हल्के हाथों से कर लिया है। मैं इसको वॉश कर लूँगी और ये आप वॉश कर लूँगी और ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट क्लोबिया पर भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप। तो चलिए अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ फेस वॉश। तो मैंने अपने लिप्स को अच्छे से वॉश कर लिया है, ये ऐसे लगा हुआ है, फेस वॉश करने जा रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, तो वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हो, साथ में कूपन कोड भी, तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम लोग आ गए हैं घर और हम जिस मेन काम के लिए गए थे कर्टन के लिए वो सिलेक्ट कर लिए। भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब ये सारी चीज़ें चूज करनी होती हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत टाइम लग गया था, पहले ये लेना है कहीं ये लेना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, जब पर्दे आ जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में, फिर आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं। एक तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अकॉर्डिंग टू कलर कौन से अच्छे लगेंगे, लाइट या डार्क। फिर ज़्यादा डार्क मुझे लेने नहीं थे क्योंकि अंधेरा अंधेरा लगता है, और ज़्यादा लाइट मुझे भी नहीं लेने थे क्योंकि फिर गंदे ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे मशीन वॉशेबल लेने थे, तो फाइनली सारी चीज़ें उन्होंने बोल रखी हैं, अब ये तो हम यूज करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन कर्टन बहुत ज़्यादा महंगा ही है, मतलब मैंने सिर्फ अपने हॉल के लिए लिए हैं, यहाँ पर बस इस वाले दरवाजे के लिए, अभी एक खिड़की के लिए, एक दरवाजे के लिए, बस मेरे 9 पर्दे हैं, 9 पर्दे मेरा मतलब बिल बना हुआ है 8,000 रुपये का। और मतलब जब आ जाए ना तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगे, आप लोग बताना अकॉर्डिंग टू प्राइस कैसे लगे। फिर हमने एक दूसरी शॉप थी ना उन पर भी ट्राई किया था, मतलब बीच में से मैंने इनको भेजा था कि मेरे अपना मोबाइल लेके ये पिक्चर दिखा के वहाँ ट्राई करके आओ कि क्या प्राइस है, तो वहाँ पर 50 रुपये और महंगे बताए उन्होंने।
फिर हमने जो मेन दुकान थी ना जिसपे हम देख रहे थे, फिर वहीं से लेके हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं। अभी बन के आएंगे, मतलब परसों की बोला है तो परसों आ जाएंगे दोपहर तक। ये फ़ोन करके जाएंगे फिर लेके आएंगे। लड्डू के लिए लेके आए हुए हैं हम सूज, और इसके लिए कपड़े देखे थे, कपड़े नहीं मिले। और आप लोग बताना कि ग्वालियर में बच्चों की शॉप जिसपे अच्छे कपड़े मिल जाएं मुझे बताना, अगर आप लोग ग्वालियर से हैं अपने बच्चों के लिए लेते हैं, क्योंकि मुझे ग्वालियर के बारे में नॉलेज है नहीं, तो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, मुझे नहीं है ज़्यादा नॉलेज। तो अभी तो मैं फर्स्ट क्राई से मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, आते ही तो फर्स्ट क्राई से आ जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो वैसे कपड़े तो उसके पास हैं, बट वही ना कि बच्चों के लिए फिर होता है, हमें भी पता है कि बच्चे के छोटे हो जाते हैं, बट होता है, तो इसलिए लक्ष्य के पास तो बहुत ज़्यादा रखे हैं, बट लड्डू के पास भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो अभी मैंने एक जोड़ी ऑर्डर कर दी हैं, तो परसों तक वो भी आ जाएंगे। पते चले गए हैं बाहर, मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट कर लूँ या बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि बर्तन भी डले हुए हैं। और आज हम लोग बाड़े भी गए थे थोड़ी, मतलब आप लोगों ने देखा बाड़े का नज़ारा, उधर होके नहीं गए थे हम, साइड वाली गली से निकल गए थे, बट अभी प्रॉपर मेरे तो इधर से देख रही थी उधर से निकल रहा था, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह क्या है। जब मैं गुड़गांव में पहली बार गई थी ना, तो वहाँ के मार्केट में मैं गई थी, तो मुझे उस समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो रह रह के ना नॉलेज हो जाती है। और कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं लेट की भी बातें कर लेती हूँ, मैं बैठ के भी बातें कर लेती हूँ, मुझे भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, बैठ के या लेट के या समझ रहे हो। फिर मैं जब और दूसरे लोगों की कभी कभार मेरी वीडियो आ जाती सामने, उनकी एडिटिंग देख के, वो कुछ भी मतलब डाल देते हैं उनकी देख के, फिर अच्छे खासे लोग देखते हैं उनको, उनको देख के लगता है यार ठीक है यार हम तो अच्छा बनाते हैं ना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, पतिदेव आएंगे उससे पहले, फिर उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। लड्डू हमारा सो गया था, देखो लड्डू हमारा सो गया। तो अभी समय हो रहा है 12:30, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, बर्तन आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी लड्डू भी नहीं सोया है, उसके लिए खाना बनाया, ठंडा हो रहा है, तब तक ये सारे मैंने बर्तन क्लीन करे, और अभी जा रही हूँ लड्डू को खाना खिलाने के लिए। चलने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर, दिख के चलने की कोशिश कर, कोशिश 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 कोशिश। अरे यार देखो, थोड़े से, थोड़ा थोड़ा सा हम लड्डू के लिए लेके आए हैं ये वाले सूज, कैसे लगे आपको ज़रूर बताना। एक्चुअली लाइट वेटेड मिल नहीं रहे थे, फिर हमें यही मिले थे, एक और मिल रहे थे, उनका डिज़ाइन हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं एक साइज़ थोड़ा बड़ा लाई हूँ, क्योंकि बच्चों के जल्दी छोटे हो जाते हैं। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और लड्डू की एक पायल पता नहीं कितने दिनों से निकली हुई है और मेरे पर्स में डली हुई है, अभी मैंने उसको पहनाई भी नहीं है। हेलो लड्डू, हेलो लड्डू, हेलो लड्डू, हेलो लड्डू, हेलो लड्डू। बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा। देखो सूज पहन के ऐसे हीरो बन के घूम रहा है ना। सूज इसलिए मंगाए हुए हम, इसलिए लेके आए कि सैंडल पहन के जब ये बॉकर में चलता है ना, तो इसके पीछे के जो है ना उनसे कट रहे हैं इसके पैर, बॉकर के उससे पहिए, पहिए से नहीं कट रहे, बट ये साइड में ये लगे ना उससे कट रहे हैं इसके पैर, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो सूज लेके आते, इसलिए हम इसके लिए सूज लेके आए लड्डू। तो अभी मैं बर्तन साफ करके आ गई हूँ, और चाय बन रही है, और जब तक हम लोगों ने खाए कुरकुरे, और अभी मैंने इनको भेजा है, मैं लड्डू को खाना खिला रही थी कि आप चाय को छान के लेके आओ, तो ये चाय लेके आ रहे हैं। हम लोग चाय पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, खाना लेट खाया है, तो चाय टोस्ट खाएंगे, और अभी मैंने कुरकुरे और चिप्स वगैरह खा लिए हम लोगों ने। तो चलिए अब मैं थोड़ा अपना कुछ काम कर लूँ, और उसके बाद अभी मेरा बहुत सारा काम फैला हुआ डरा है, ज्वेलरी वगैरह का, वो भी मुझे सोच रही हूँ समेट लूँ, बट अभी मैं समेटूँगी शायद कल, कल संडे तो कल समेटूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पर करते हैं, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। लेकिन हाँ, जो लोग भी ग्वालियर से हैं मुझे बताना अच्छी मार्केट कहाँ कहाँ पर है, और जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।
क्या दिक्कत है बेटा, क्यों नहीं सोने दे रहा उसको, लक्ष्य को क्यों नहीं सोने दे रहा? भैया को इतना परेशान कर रहा है ना, देखो कैसे परेशान कर रहा है उसको, देखो कैसे परेशान कर रहा है उसको, सोने भी नहीं दे रहा, देखो देखो सोने भी नहीं दे रहा उसे। भैया अब क्या होना है आखिरकार, आ जा बेटा, लड्डू बहुत परेशान कर रहा है बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करना है, बहुत ज़्यादा। क्या चाह रहा है बता, क्या चाह रहा है? बहुत परेशान करना है इसको, बहुत परेशान गंदे बच्चे को। लड्डू, हे एवरीवन, लड्डू की आंख में पता नहीं क्या हो गया है, कूलर चल रहा है इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, पता नहीं क्या हो गया इसकी आंख में एकदम रेड रेड हो रखी है, इसलिए मैंने कॉटन की ये लेके टॉवल उसकी आंखों में ऐसे लगाऊंगी, ऐसे करके लगाते नहीं ऐसे करके, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें हमारी आँख में कुछ होता था तो हमारी अम्मा वगैरह ना ऐसे ही लगाती थी, तो मैं इसको लगा देती हूँ। और अब मेरे बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, मुझे तो कभी बच्चे तबीयत खराब होती है कुछ होता है तो रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं खा रहा है, एक दिन छोड़ के वॉमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि होता रहेगा, बच्चे 5 साल तक है तब तक होता रहेगा कुछ ना कुछ, ऐसा लगता है कभी कभार कि कोई पूछने वाला तक नहीं होता यार। अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करो यार, तो कुछ करने भी नहीं देता। मैं किचन में जाती हूँ तो रोने लगता है, लक्ष्य की भी पढ़ाई है तो उसको भी पढ़ाई करनी होती है, कितना कमजोर हो गया। लड्डू बेबी इधर देखना, मम्मा की साइड, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ, इधर देखो, इधर मम्मा की तरफ देखो, म्याऊं म्याऊं।